और स्वागत है आपका हमारे चैनल मैक्स 9 न्यूज पर। जी हाँ, करीना कपूर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार हैं और अब वो दो बच्चों की माँ भी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके दोनों ही बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से हुए हैं, सी सेक्शन डिलीवरी से हुए हैं और करीना कपूर अपने दोनों ही बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। जी हाँ, अपने छोटे नवाब की फोटो अभी हाल ही में करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर की थी, जिसमें वो तैमूर के साथ दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, लेकिन आज हम उस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जिस वीडियो में वो अपने बड़े बेटे तैमूर के लिए रो दी थी। जी हाँ, एक शो में पहुंची थी करीना कपूर और वहां पर अपने बेटे को याद करके वो रो बैठी थी और काफी कुछ उन्होंने कहा भी था। जी हाँ, तो हम आपको उस वीडियो के बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक दमदार अभिनेत्री करीना कपूर खान बेशक एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और ग्लैमरस अंदाज के जरिए फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तभी तो करीना को लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं। करीना कपूर दो बच्चों की माँ हैं। आपको बता दें कि उनकी दोनों बच्चों की जो डिलीवरी हुई है वो भी सिजेरियन डिलीवरी ही हुई है, सी सेक्शन डिलीवरी ही हुई है। जी हाँ, सी सेक्शन डिलीवरी से ही दोनों ही बच्चों का जन्म हुआ है। जी हाँ, लेकिन जिस तरह वो अपने काम के प्रति वफादार हैं, आपको बता दें कि उसी तरह वो अपने बच्चों को भी पूरा पूरा समय देती हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हमें करीना का एक वीडियो मिला जिसमें एक्ट्रेस अपने लाडले बेटे तैमूर अली खान को याद करते हुए नेशनल टेलीविजन पर रोने लगी थी। जी हाँ, क्या था पूरा किस्सा वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपने उम्र से 12 साल बड़े और शादीशुदा अभिनेता सैफ अली खान के प्यार में पड़कर उनसे शादी की। जी हाँ, करीना और सैफ को दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम तैमूर अली खान है, जो एक पॉपुलर स्टार किड हैं। वहीं दूसरे बेटे का नाम अब तक कपल ने फैंस को नहीं बताया है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने बेटे की झलक फैंस को दिखाई है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि एक वीडियो में करीना कपूर इमोशनल होती नजर आ रही थी। ये वीडियो पॉपुलर रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 7 का है, जिसमें करीना बतौर गेस्ट बनकर पहुंची थी। इस एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट अपनी माँ के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे थे, जिसे देखकर करीना काफी इमोशनल हो गई थी और उन्हें अपने बेटे तैमूर की याद आ गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वीडियो में करीना कहती हैं कि मैं खुद जानती हूँ कि माँ का मतलब क्या होता है। पिछले 3 सालों से मैं तैमूर की माँ हूँ और अभी मैं तैमूर को इतना मिस कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी ने अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ बोला है। यह सब बातें मेरे दिल को छू गई है। ये सब कहते हुए करीना कपूर रोने लग जाती हैं और जिसके बाद वहाँ मौजूद जज उन्हें चुप करवाते हैं। वहीं आपको बता दें कि 9 मई 2021 यानी कि मदर्स डे के मौके पर करीना कपूर ने अपने छोटे बेटे का चेहरा फैंस को पहली बार दिखाया था। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तैमूर अली खान और अपने छोटे बेटे की एक तस्वीर शेयर की थी। आपको बता दें कि यह फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी और जिसमें तैमूर की गोदी में उनके छोटे भाई लेटे हुए है। आपको बता दें कि इस तस्वीर में तैमूर कैमरे की ओर देख रहे हैं, वहीं उनके छोटे नवाब आराम से सो रहे हैं। हालांकि इस फोटो में एक्ट्रेस के बेबी बॉय का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें उनकी नजदीक से झलक देखी जा सकती है। आपको बता दें कि तैमूर के जन्म के बाद करीना कपूर ने साल 2018 में फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया था कि वो कैसे अपने काम और बच्चे की जिम्मेदारी को बैलेंस कर रही हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने कहा था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम में काम कर रही थी और तैमूर के होने के 5 महीने बाद मैंने फिल्म वीरे दी वेडिंग शुरू की थी। उन दिनों मैं तैमूर को शूटिंग के लिए अपने साथ दिल्ली ले गई थी। मैं भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मेरे पास समझदार पति हैं जो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आप अपने सपने को जारी रख रही हैं। वहीं आपको बता दें कि करीना कपूर खान अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। जी हाँ, वहीं अब हम ये भी देख सकते हैं कि जब से उनका छोटा बेटा इस दुनिया में आया है, तब से तैमूर भी काफ़ी ज़्यादा
अपने छोटे भाई के लिए प्रोटेक्टिव हो चुके हैं। जी हाँ, जब से करीना कपूर के दूसरे बेटे का जन्म हुआ है तब से तैमूर भी अपने छोटे भाई को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। हमेशा ही वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा खुद करीना कपूर ने कहा है। जी, आपको बता दें कि करीना अपने दोनों ही बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। करीना हमेशा चाहती थी कि उनको एक बेटी हो, लेकिन इस बार भी उन्हें एक बेटा ही हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि तैमूर के जन्म से पहले करीना कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें एक बेटी चाहिए, क्योंकि एक बेटी जो करती है शायद वो एक बेटा कभी नहीं कर सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि लेकिन जब उनको बेटे हुए हैं तो वो अपने बेटों से भी उतना ही प्यार करती हैं, लेकिन उनकी इच्छा ये शायद अधूरी रह गई कि उनको बेटी चाहिए थी। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने दोनों बेटों से भी करीना उतना ही प्यार करती हैं जितना उन्हें करना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि करीना कपूर खान प्रेगनेंसी के दौरान भी काम कर रही थी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्हें कई बार स्पॉट किया गया था, हमेशा वो फिल्मों की शूटिंग करती हुई दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि करीना कपूर ने अभी हाल ही में अपने बेटे का चेहरा अपने फैंस को दिखाया है, लेकिन उसमें भी उनके बेटे का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, इस फोटो में उनके छोटे नवाब अपने बड़े भाई तैमूर की गोद में हैं, लेकिन चेहरा उनका साफ नहीं दिख रहा है। वहीं जिस तरीके से करीना उस एपिसोड में रोने लगी कि वो अपने बेटे तैमूर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हैं, जी हाँ, उससे ये साफ जाहिर होता है कि करीना कपूर खान अपने दोनों बेटों से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। अभी रिपोर्ट आपने जाना कि करीना कपूर किस तरीके से अपने बेटे को याद करके रो पड़ी थी इस शो में। जी हाँ, जिसके बाद सभी का दिल पसीज गया था, हर किसी के आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जी हाँ, करीना कपूर अपने दोनों ही बेटों से बहुत प्यार करती हैं और हमेशा ही उनके साथ तस्वीरें शेयर करती हैं। फिलहाल तो अपने छोटे बेटे की तस्वीर उन्होंने शेयर की, लेकिन उसमें उनके छोटे बेटे का चेहरा कुछ साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं तैमूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। जी हाँ, उनके सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं और कई जगह वो स्पॉट भी होते हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप सबकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।